हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। यदि आपने यूटीआई के माध्यम से अपना पैन कार्ड बनाया है, आपका पैन कार्ड कहीं गुम हो गया है, खो गया है या चोरी हो गया है या आपके पास नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आप अपना पैन कार्ड को डाउनलोड इंस्टेंट कैसे कर सकते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप फिजिकल पैन कार्ड कैसे मंगवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने पीसी, अपने कंप्यूटर, अपने टैब के माध्यम से पैन कार्ड जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसको पीवीसी कार्ड में प्रिंट करवाएं या फिर आप जेरोक्स वाला जो कागज होता है उसमें प्रिंट करवाएं। ये कहीं भी आपको बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं भी आप काम करवा सकते हैं। इंस्टेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फौरी तौर पर आप इसको डाउनलोड करके, प्रिंट करके कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए सीख लेते हैं किस तरीके से आपको घर बैठे डाउनलोड करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको यूटीआई से पैन कार्ड अप्लाई किया हुआ डाउनलोड करना सिखाएंगे। यदि आपका पैन कार्ड खो गया है, गुम हो गया है या कहीं चोरी हो गया है, तो आप आसानी के साथ इंस्टेंटली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया आप उसको रिप्रिंट मंगाना चाहते हैं तो कैसे मंगा सकते हैं, और आज के इस वीडियो में हम डाउनलोड करना सिखाएंगे। तो गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको टाइप करना है यहां पर पैन कार्ड डाउनलोड यूटीआई, ठीक है, इस तरीके से सर्च कर देंगे। आपकी आसानी के लिए हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सबसे ऊपर आपको फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ऑफ ई पैन कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पर अपना पैन नंबर, यहां पर मंथ, डेट नहीं, मंथ और ईयर्स टाइप करना है। जीएसटी एन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। और इस कैप्चे को यहां पर फिल करना है, देन सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक तो आपका मोबाइल नंबर, दूसरा आपका ईमेल आईडी, ठीक है। तो आपके पास अगर मोबाइल नंबर प्राप्त है तो आप यहां पर ओनली एसएमएस कर देंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी प्राप्त है अभी मौजूद में तो आप ओनली ईमेल कर देंगे। यदि दोनों है तो दोनों पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका मोबाइल जो होता है वो गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो स्थिति में आप ईमेल आईडी यहां पर सर्च करेंगे। जैसे ये मोबाइल नंबर मेरा अभी नहीं है, ठीक है, तो मैं यहां पर ओनली मेल पे क्लिक कर दूंगा और इस कैप्चे को यहां पर इस तरीके से फिल कर लूंगा। देन उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा। यहां पर कंसेंट देना ना भूले, बिना कंसेंट का आपको आगे बाईपास नहीं देगा, तो कंसेंट दे दे, यहां पर टिक कर दे, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें। हमारा जो ओटीपी है वो आ चुका है, हम ओटीपी यहां पर डाल दिए। अब सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए ₹8.26 का आपको यहां पर पेमेंट करना होगा। यहां पर एक मोबाइल नंबर डालेंगे और यहां पर एक ईमेल आईडी डालेंगे और बिल डेक्स इस पर क्लिक करके आप कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर आ जाएंगे, यहां पर आप डेबिट कार्ड के माध्यम से, अदर डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से या यूपीआई से या क्यूआर से पेमेंट करेंगे। चलिए हम यहां क्यूआर सेलेक्ट कर लेते हैं, मैक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहां पर जो आपको ये क्यूआर दिख रहा है इसको क्लिक हर टू स्कैन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो पेमेंट का ऑप्शन है, जो क्यूआर है, वो आपके सामने आ जाएगा। अब चलिए हम अपने मोबाइल से यहां पर पेमेंट कर दे रहे हैं क्यूआर के माध्यम से, ठीक है, बहुत ही आसान है ये। आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर पेमेंट कर देते हैं अपना यूपीआई से, उसके बाद यहां पर आपको आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं। चलिए हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा आपको और कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब दोबारा से यहाँ पर पैन कार्ड डालेंगे, अपना मंथ डालेंगे, ईयर्स डालेंगे, स्केचे को फिल करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे वापस से। अब यहाँ पर आप ओटीपी मंगाएंगे। अब आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका ई पैन एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पर पैन कार्ड है और यहाँ पर मोड दिया गया है एप्लीकेशन। ये आपको यहीं पर नहीं मिलेगा, ये आपको बताया गया है द ई पैन लिंक हैज बीन सेंड ऑन ईमेल, जो आपका ईमेल आईडी है उस पर आपको एक लिंक सेंड कर दिया गया है, आप वहां पर जाकर के डाउनलोड करेंगे। तो नया ब्राउजर खोलेंगे और अपने ईमेल पे जाएंगे। यहां पर देख सकते हैं हम अपने मेल पे आ चुके हैं, यहां पर यूटीआई टीएसएल ई पैन यहां पर आ चुका है। यहां पर इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर आपको पीडीएफ में आपको भेज दिया गया है, पासवर्ड यहां पर दिया गया है। पासवर्ड आपको क्या डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ एग्जांपल के लिए यहां पर बताया गया है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको किस तरीके से डालना है, इस तरीके से डालना है यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे 1/1/2000 है तो 01/01/2000, अगर 1/1/1980 है तो 01/01/1980, इस तरीके से डालना है। चलिए अब हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे में आया है पैन, ठीक है, तो चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पर ओपन करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो पैन कार्ड है आपका सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ऊपर में आपका पूरा डिटेल्स दिया गया है और नीचे में आपका ये पैन कार्ड है।
इसको कट करके आप पीवीसी कार्ड पर प्रिंट करा लेंगे और इस पैन कार्ड का कहीं भी आप उपयोग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो देखा आपने किसने आसानी के साथ कितने आसान भाषा में हमने आपको समझाया अपना पैन कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और फ्रेश टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।